हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम 10वीं हिंदी मीडियम विषय विज्ञान के आगे के प्रश्नों को हम एक्सप्लेन करते हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। अध्याय का नाम है धातु और अधातु। चलिए, प्रश्न अपना धातु और अधातु में अंतर, इसको देखते हैं अपन। चलिए, पहला पॉइंट है इसका अवस्था, ठीक है। धातु के बारे में बात करते तो पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधातु की बात करते हैं तो अधातु जो होती है वो तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस में। सेकंड पॉइंट देखते हैं चमक। देखिए, धातु जितनी भी धातुएं होती है इनकी सतह चमकदार होती है, इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। अधातु की बात करते हैं अगर हम तो आयोडीन को छोड़कर सभी अधातुएं मटमैली रंग की होती है, धूसर धूसर रंग की होती है। तीसरा पॉइंट तन्यता। देखिए, धातुओं को अगर हम पीटेंगे, उनको ठोकेंगे पीटेंगे तो वो तार के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इस गुण को तन्यता कहते हैं। अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता, अगर उनको ठोकने जाएंगे पीटने जाएंगे तो वो टूट जाती है, भंगुर होती है धातुएं। अगला पॉइंट चालकता। सामान्यतः सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। चांदी एक ऐसी धातु है जो सर्वाधिक चालकता का गुण प्रदर्शित करती है। अधातु की बात करते हैं हम तो ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। पांचवा पॉइंट गलनांक और क्वथनांक। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। अधातु की अगर बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। आखिरी पॉइंट आघात वर्धनीयता। देखिए, धातुओं को ठोकेंगे पीटेंगे तो वो चादरों को रूप में परिवर्तित हो सकती है या होती है, इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता, वो भंगुर होती है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत इजी, सिंपल, सरल। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? ठीक है, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है ना? मतलब अवरोही क्रम में, यहाँ पर अधिक से तो निम्न की ओर सबसे पहले वो धातु रखी जाएगी जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, ठीक है। किताब बुक में हमारे 1.9 और 1.3.12 में ये बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह की श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे नीचे कुछ दिए गए हैं, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, ये सबसे ऊपर रखा गया है। उसके बाद में एल्यूमिनियम से ये घटती अभी क्रियाशीलता चालू होती है, और सबसे लास्ट में है एयू गोल्ड, सोना। सोना जो होता है ये सबसे कम क्रियाशील है, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सोडियम धातु को केरोसिन या मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? बात करते हैं हम सोडियम धातु, ये भी अधिक क्रियाशील धातु है, सक्रियता श्रेणी में हमने देखा सेकंड नंबर पे है ये। इसको अगर वायु में हम खुला छोड़ेंगे तो ये वायु में उपस्थित आर्द्रता से क्रिया कर लेती है और जलने लगती है, ठीक है। इसे जलने से बचाने के लिए क्या करते हैं? इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए, जब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो एक यौगिक बनता है, उस यौगिक को कहते हैं हम आयनिक यौगिक या फिर विद्युत संयोजक यौगिक। नीचे आप देख सकते हैं, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर धनात्मक आवेश आ गया, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर ऋणात्मक आवेश है, यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है। तो सोडियम और क्लोरीन जब आपस में क्रिया करते हैं, देख सकते हैं हम Na और Cl, Na से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है Cl की ओर, इसलिए Na पर आ गया धनात्मक आवेश और क्लोरीन पर आ गया ऋणात्मक आवेश, तो क्या बना हमारा पास? NaCl, ये बनेगा हमारा NaCl। और NaCl क्या है?
एक आयनिक यौगिक है, एक विद्युत संयोजी यौगिक है। नीचे और दिया गया है, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर दो धनात्मक आवेश आ गए हैं, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर एक ऋणात्मक आवेश आया है, इससे बन गया हमारा MgCl2। आगे Mg ने दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक क्लोरीन एक लेगा तो दूसरा क्लोरीन भी एक लेगा, इसलिए दो क्लोरीन लगे तो हमारा बन गया MgCl2। MgCl2 भी एक विद्युत संयोजी यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखना है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं ये तो हमने बता दिया, अब उसके कुछ गुणधर्म देखते हैं। सबसे पहले भौतिक प्रकृति या भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर हो जाते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए धन आवेश और ऋण आवेश के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है जिसके कारण इनके बीच में काफ़ी मजबूत आकर्षण बल लग जाता है, ठीक है। इसलिए ये कैसे हो जाते, काफी कठोर हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका गलनांक और क्वथनांक। देखिए इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, अधिक तापमान पर ये गलते हैं, ठीक है ना। तो इनको तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट चलिए अगला पॉइंट है घुलनशीलता। देखिए विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल केरोसिन जैसे विलायकों में ये अविलय होते हैं, इसमें घुलते नहीं है, ये केवल पानी में ही घुलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विद्युत चालकता। देखिए जो संयोजक यौगिक होते हैं, विद्युत संयोजक यौगिक, ये ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि ये आयनों में परिवर्तित नहीं होते ठोस अवस्था में, लेकिन गलित अवस्था में जब इनको पानी में घोला जाता है और जब इसमें विद्युत का चालन किया जाता है तो इसमें विद्युत का चालन होता है क्योंकि आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खनिज और अयस्कों को समझाइए। देखिए हमारे पृथ्वी की जो ऊपरी सतह पहली सतह है उसको भूप्रपटी कहते हैं, इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, इन तत्वों को या यौगिक को कहते हैं हम खनिज। कुछ स्थानों पर जो खनिज होते हैं वो विशेष धातु के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको कुछ विधियों द्वारा अलग किया जाता है, लाभकारी विधियों द्वारा अलग किया जाता है और इसको हम अयस्क कहते हैं। बहुत सारी धातुएं जो होती है अपने कुछ अशुद्ध रूप में पाई जाती है, इनको उससे अलग किया जाता है, इसको कहते हैं अपन अयस्क। नेक्स्ट पॉइंट आखिर ये भर्जन किसे कहते हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है इसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है, ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, वायु में जलाएगी तो ऑक्साइड में परिवर्तित होगा ही, इस क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जैसे नीचे देख सकते हैं आप रिएक्शन ZnS जिंक सल्फेट, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, क्या बना है ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस SO, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड। तो इस तरह से ये जो अयस्क होता है उसका भर्जन किया जाता है।